सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द अनहैप्पी बॉय। तो यस, मैं गेम स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं द फैस्मोफोबिया गेम प्ले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलो लेट्स स्टार्टेड। और हाँ यार, बैकग्राउंड मत देखो मेरा, मुझे देखो, जस्ट मुझे इग्नोर दिस बैकग्राउंड। यार एक मिडिल क्लास बॉय भाई कैसे वीडियो बनाएगा साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। Enjoy this video. ये तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास कोई भी डेस्कटॉप हो, कोई भी पीसी मतलब स्क्रीन है जिसमें तुम्हारी HDMI केबल अगर कनेक्ट हो सकती है, उसको लेके तो सीधा पीसी बना ले अपना। वाओ, क्या टास्क है? रिपेल द घोस्ट विद स्मिथ स्टिक, गेट द घोस्ट ब्लो आउट कैंडल, ठीक है, ईएमएफ मैन ले लिया है, कुर्सी भी मजा आएगा, लाइट भी ऑन होगी। अरे लेट्स गो बाबू भैया। अब नहीं होती हंट शुरू होते, अब नहीं होती, अब तो हम डरते भी नहीं है। ए भूत, ए भूत, अबे खुला भाई बाथरूम में। ये लाइट ऑन हो गई, आहा, बिना टॉर्च के खेलूंगा अब मैं। ओह ये देखो क्या है भैया, हंटेड मिरर बेसमेंट में है, बेसमेंट जहाँ पे स्क्रू। सो डेट्स वाई, तो अगर आपने भी फैस्मोफोबिया खेला है तो आपको पता है कि अगर आपको स्टार्टिंग में ही वीजा बोर्ड या फिर द कर्स मिरर मिल जाता है तो आपको गोस्ट का लोकेशन पता करने में यार बहुत ज़्यादा आसानी होती है। खासकर अगर आप कोई बड़ा मैप खेल रहे हो जैसे सनी मिडोस या फिर शायद क्या होता है प्रिजन या फिर स्कूल, शायद स्कूल, हाँ, अगर ये तीन मैप में से आप कोई भी एक मैप खेल रहे हो और आपको ये कर्स मिरर मिल जाए तो इट्स रियली हेल्पफुल। दरवाजा खोला, बैम, एक फोटो डाल दिया इधर क्रूसिफिक्स। नहीं नहीं नहीं, यही जगह है, यहाँ पे है। कहाँ पे यहाँ? ये इधर ले क्रूसिफिक्स। ये भूत ने कुछ गिराया। हाँ वही भाई, मैं सामान लेके आता हूँ भाई, बहुत टाइम बाद सामान दिख रहा है ये। तू वैन लेके भाग मत जाना। कुकी है भैया, कुकी की लाऊंगा मैं भूत को। अरे तो भूत से डर भी नहीं लग रहा मेरे को। मजाक बनाती है हो भाई। ये इस कमरे के अंदर है मेरे को जितना लग रहा है। मैं किताब लाया हूँ, मैं भूत भाई करवाऊंगा। भूत भाई पढ़े इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ए सामान फेंकने का शौक है, सामान फेंकने का शौक। मैं खाना खाता हूँ मस्त, देखता हूँ भूत क्या होगा, क्या क्या कर लेगा मेरा। अफसोस मुकेश बच नहीं सका। ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट देखा है आपने इधर? हाँ भैया देखा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट देखा है? आओ तो ऊपर। ये वाला इंस्ट्रूमेंट देखा है, क्या करता है पता है? ओहो यार, कर्स मिरर से ये यूज करके मैंने बताया था नीचे वाली जगह है, कर्स मिरर से मत खेलो यार प्लीज। Don't play the... अरे तो कितनी हंट करवा रहे हो क्या? भी नहीं आती मुझे। Yes. कराओ कराओ भैया, नीचे रहो। क्यों? वो भूत आया तो बताना पड़ेगा ना। अरे तो भूत तेज आ गया भाई। हाँ भाई निकल गई तेरी। मर गया? So that's why I am saying कि यार जब तक तुमको भूत का टाइप नहीं पता तो प्लीज यार भूत को मतलब ऐसे मस्ती मजाक मत करो यार। मुझे पता है कि सब मजे के लिए खेल रहा है तो ये कोई मतलब इतना प्रोफेशनल खेलने का बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी एक मैच जीतना चाहते हो फैस्मोफोबिया का तो सिंपली भूत का टाइप मतलब आपको पता नहीं है ना जब तक एक हंट नहीं होगी कि भूत कैसा होगा, वो फास्ट आएगा या फिर अपने एरिया में अटैक करेगा, ये तो आपको पता नहीं होगा। सो यार ऐसा मत करो। और यार कर्स मिरर, वीजा बोर्ड, टैरेट कार्ड्स एंड म्यूजिक बॉक्स, वो पापी गुड़िया जिसमें पिन मारते हैं, तो इन सब का यूज़ करोगे तो भाई हंट स्टार्ट ही होगी। और सिंपल सी बात है भाई, इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया निशय भाई ने, मतलब वो बेसमेंट में ही वो जगह था, उसने मतलब कट्स मिरर से उसने खेला, उसने भूत को ट्रिगर कर दिया हंट के लिए और फिर हमारे निशय भाई गए वहाँ पर बहुत मस्ती मजाक में और भूत ने मार दिया।